मार्केट इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। जी हाँ, सेल में मैंने लास्ट वीडियो आपको बताई थी किस तरीके से तेजी आ सकती है और आज भी इसमें लगातार दो दिन से तीन दिन से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब हमको इसमें अलर्ट होना पड़ेगा। तो मैं जैसे आपको बताता हूँ, मैं हर दिन स्टॉक्स पर अलर्ट रहता हूँ, जो जो मेरे रेडार में रहते हैं स्टॉक्स, जिस स्टॉक में मेरी ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ हर बार कि जब भी तेजी आती है, गिरावट होती है, मैं आपको अलर्ट करता हूँ और खरीदारी करने की भी राय देता हूँ। तो अब आपको अलर्ट होना पड़ा क्योंकि सेल के अंदर हमको भारी गिरावट देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से। बट इसके अंदर जो इसका जो स्टॉप लॉस है वो एक सपोर्ट जोन जो है उसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो क्या हमको उस टाइम अभी खरीदारी करनी है या हमको अब इसमें देखना है और वॉच करना है कि अभी कोई खरीदारी नहीं करनी है? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। किस तरीके इसमें हमको रणनीति बनानी है हमको मंडे के लिए 21 जून 2021 के लिए बाय सेफ। दोस्तों इस स्टॉक्स के अंदर हमको तीन दिन से लगातार भारी गिरावट देखने को मिली और आज भी फ्राइडे के दिन भी इसमें हमको इसमें अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिली है। गिरावट की वजह भी बताऊंगा क्यों गिरावट आ रही है, किस वजह से आ रही है, कितने दिन और आ सकती है, कहाँ स्टॉप लॉस इसका ट्रिगर हो सकता है, कहाँ स्टॉप लॉस हमको इसका ट्रेल करना है। तो सब एक क्वेश्चन इस वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज के हम वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, हमने कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रखा है, उसमें अपने कमेंट दीजिए। कोई भी आपकी क्वायरी होती है उसमें आपके अपने कमेंट दे सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई भी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी आपका नाम लेकर। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ गए हैं इंडिया एनएसए की वेबसाइट से और यहाँ मैंने सेल का, जी हाँ, सेल का चार्ट लगाया हुआ है, वो भी सिक्स मंथ। यहाँ तो आपको पूरा पैसे लगा कि स्टॉप लॉस कहाँ से कहाँ पहुँचता है और स्टॉक्स में किस तरीके हमको देखने को मिली है 6 महीने के अंदर। बट स्टॉक में तेजी हमको जो देखने को मिली है वो लास्ट के 2 मंथ में हमको ज़्यादा देखने को मिली है, जैसे मैंने ट्रेड लाइन मार्क की है। बट हम शुरुआत करते हैं दिसंबर से, 6 महीने के मैंने जैसे चार्ट लगाया, दिसंबर के महीने में स्टॉक से 58 रुपये के आसपास स्टॉक्स था, स्टॉक में एक तेज़ी आई, स्टॉक्स पहुँच गया 80 रुपये के आसपास, फिर स्टॉक में गिरावट आई, फिर स्टॉक्स पहुँचा 60 रुपये के नीचे, लगभग 58 रुपये उसी लेवल पर यहाँ देख सकते हैं। तो उसी लेवल के ऊपर यहाँ ट्रेड लाइन मार्क करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ जैसे यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ स्टॉक में तेजी आई, यहाँ तेजी बनी, फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिली, 67 रुपये रुका, फिर रुका, फिर इसके बाद से इसमें मार्च, जी हाँ, मार्च का जो महीना था बहुत कुशल महीना था और यहीं से ही इसमें हमको तेजी देखने को मिल रही है बराबर और हर दिन। मैंने आपको इसमें कई बार रिकमेंडेशन दी है बाय करने की और कहाँ एग्जिट करने की रिकमेंडेशन दी, वो भी मैंने आपको बताया। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपके पास मेरी वीडियो जो जाती है और आप जरूर देखते होंगे, तो मैंने आपको पूरी वीडियो अगर आप देखते होंगे तो मैंने इसमें एक एक पॉइंट आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किस तरह का इसमें मूवमेंट आ रहा है और किस तरह का इसमें डाउनग्रेड जा रहा है। अब मैं बताता हूँ यहाँ से जो जनवरी से महीने से यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड रहा यहाँ पर मार्च तक, तो मार्च से इसमें जो तेज़ी बनी है, जी हाँ, मार्च का जो लास्ट वीक के बाद इसमें 2 कैंडल बने थे और 2 कैंडल हाई के बाद 5 अप्रैल को भी इसमें तेज़ी देखने को मिली और 16 अप्रैल को इसमें हल्की गिरावट के बाद फिर इसमें 16 अप्रैल को इसमें एक जो नीट क्लीन चार्ट बोलते हैं हेड शोल्डर वाला पैटर्न वो बनता हुआ हमको इसमें नज़र आया। 16 अप्रैल को देख सकते हैं, 16 अप्रैल को प्राइसिंग थी इसकी 90 रुपये के आसपास, जी हाँ 90 रुपये के आसपास थी और 90 रुपये से ये स्टॉक्स भागा 150 रुपये, जी हाँ 90 रुपये से 150, 60 रुपये की तेजी कितने दिन में, अप्रैल 16 से और मार्च 11 से 5 से 11 के वीक में, तो लगभग 1 महीने से भी कम के समय में स्टॉक्स में हमको भरपूर तेज़ी देखने को मिली है, 60 रुपये की तेज़ी।
कितने दिन में? एक महीने से भी कम वक्त में। जी हाँ, मैं एक महीने से भी कम वक्त में बता रहा हूँ, लगभग लगभग 3 हफ्तों में हमको 60 रुपये तेज देखने मिली है। मैंने यहाँ पर आपको रिकमेंड एग्जिट करने की राय भी दी थी कि स्टॉक 150 जा सकता है, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि इसमें थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी और ये मुनाफा वसूली रुकी। 120 का लेवल जो था वहाँ पर बहुत अच्छे से रुकी और 120 का लेवल को यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कैंडल यहाँ पर स्टॉक्स रहा 120-127 के बीच, यहाँ से टूटा नहीं। बट जिस दिन इसने 127 थोड़ा 130 के ऊपर गया, फिर इसमें एक तेजी देखने को मिली और एक तेजी गई 135 रुपये के भी ऊपर। फिर अब इसमें एक फॉल हमको नज़र आ रहा है और ये फॉल हमने फ्राइडे को भी देखा, बट फ्राइडे को इसमें वही मैं जो बात बता रहा हूँ 120 रुपये से 118 रुपये का जो लेवल है, सपोर्ट लेवल जो है 118 रुपये का है, 119 रुपये से 118 रुपये का लेवल जो है जो नहीं तोड़ पा रहा। कल भी वही हुआ, कल भी इसने 119 रुपये का लो बनाया, बस 118 को नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग, इसका जो मेन जो स्ट्रॉन्ग है जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो यहाँ ले रहा है सेल। जी हाँ, सेल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है हमें और यहाँ से रिकवर होने के बाद यहाँ से रिकवर होने के बाद स्टॉक्स 119 से 124 पे गया, यानी कि 5 रुपये की इसमें रिकवरिंग भी हमको देखने को मिली है। बट एंड ऑफ द डे स्टॉक्स रेड लाइन में बंद हुआ, यानी कि स्टॉक्स जो है गिरावट के साथ हमको बंद होता हुआ नजर आया। अब रीजन जान लेते हैं कि किस रीजन की वजह से स्टॉक्स में हमको बिकवाली देखने को मिली है। सबसे पहला रीजन चाइना की मार्केट। चाइना की मार्केट में दबाव प्रेशर बहुत बना है, मेटल स्ट्रोम पूरा मेटल सेक्टर दबाव में है। वो भी एक न्यूज़ चलते मेटल पर कोई न्यूज़ थी चाइना की साइड से, वहाँ से मेटल इंडेक्स उनका डाउन हुआ और यहाँ से मेटल स्टॉक सारे गिर चुके हैं इंडिया के। तो मेटल स्टॉक के दबाव के कारण है कि चाइना की मार्केट में दबाव होता है तो 100% आपको मेटल स्टॉक में दबाव देखने को मिलेगा। ये अब से नहीं, पहले से ही चलता आ रहा है। मेरे 10 साल के करियर में ये मेरे बार बार देखता हूँ, ये अभी से नहीं, पहले से ही हमको जब भी मेटल में बिकवाली आती है, खरीदारी आती है, तो सारी जो फोकस रहता है हमारा चाइना की मार्केट रहता है, वहाँ पर किस तरह की मूवमेंट आ रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया 120 से 118 के बीच सपोर्ट है, बहुत अच्छा। बट अगर ये सपोर्ट टूटा, जी हाँ, तो भयंकर वाली गिरावट आएगी, लगातार गिरावट। 120 रुपये का लेवल टूटा तो आपको 105 रुपये के लेवल टूटते हुए दिखते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, 120 रुपये से 118 रुपये का लेवल टूटा तो यहाँ पर 105 रुपये के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अभी इसमें हड़बड़ी ना करें जब तक स्टॉक 118 रुपये के ऊपर, 118 मेरी राय माने 118 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाए और जिनके एग्जिटिंग पोजीशन है वो अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। बट फ्रेश खरीदारी की राय में अभी बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, जिसको फ्रेश खरीदारी करनी है तो उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। स्टॉक्स आप जब तक स्टेबल नहीं होता है जब तक आप कोई भी इसमें पोजीशन ना बनाएं। अगर मैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि अभी इसमें कोई खरीदारी नहीं करनी है, अगर मैं इस कारोबार की बात करूँ किस तरह कारोबार देखने को मिला हमको इसमें, 123 रुपये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 123.55 रुपये से क्लोज हुआ, 4 रुपये की गिरावट के साथ 3% लगभग 4% की गिरावट हमको देखने को मिली है, 3.70%। 128 रुपये 30 पैसे पर क्लोज था, 128 रुपये पर ओपन हुआ और 129 रुपये का इसने हाई बनाया। 119 ये लेवल जो मैं बता रहा हूँ, 119 रुपये 55 पैसे का इसने लो बनाया और 124 रुपये का इसने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग वाइज इसने 124 रुपये, ये फाइनल क्लोजिंग है इसकी, ये फाइनल क्लोजिंग नहीं है, तो 124 रुपये फाइनल क्लोजिंग है। ट्रेड वॉल्यूम शेयर बहुत बेहतरीन रहा, 8,72,6,711 शेयर का ट्रेड वॉल्यूम शेयर रहा, 151 रुपये इसके बावन में खाई है, 28 रुपये इसके बावन में लो है, तो लो से तो काफ़ी ऊपर है स्टॉक, काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं स्टॉक्स ने, देखने को भी मिला है स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे मूवमेंट। अब मैं डेली परसेंटेज देखता हूँ, 1,94,20,091 शेयर डिलीवर हुए 18 जून 2021 को, लगभग मैं कन्वर्ट करो इसे परसेंटेज वाइज में तो 22.219 की परसेंट की इसमें डिलीवरी हमको उठती हुई नजर आई है फ्राइडे को 18 जून को 8,72,6,711 शेयर में से। तो डिलीवरी परसेंटेज
अच्छी उठाई गई है, डिलीवरी परसेंट का कारण एक ही है, इतनी डिलीवरी अगर उठाई जा रही है तो क्यों उठाई जा रही है, एक कारण है कि क्यों उठाई जा रही है। सबसे पहला कारण है कि इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के लेवल पर भी स्टॉक्स है, जहाँ से इसमें हमको एक मोह ऊपर की साइड को भी चांस दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप खरीदारी नहीं कर सकते, बट मेरी राय अभी खरीदारी ना करें। तो दोस्तों ये थी द मार्केट इंडिया की राय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं हर दिन आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी जो है उसको टर्न कर दीजिए, जिससे क्या होता है आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो जैसे हम पोस्ट करते हैं आपको एकदम से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारे एकदम से वीडियो देख सकते हैं। तो कोई भी वीडियो मिस ना करने की से आप हमारे चैनल की सब्सक्राइब करके घंटे बजा लें। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कोई भी क्वेरी है तो पूछिए हमसे, कोई भी आपकी क्वेश्चन होता है। और आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, गुड बाय।